आजाद भारत की पहली सरकार है जो कह रही है कि स्कूलों को खोला नहीं जाएगा। अगर स्कूलों की स्थिति जर्जर है तो स्कूल को बंद कर दो। वाह रे सरकार, ऐसी पहली सरकार जो स्कूल खोलने की बात नहीं स्कूल बंद करने की बात कर रही है और हमारे बच्चों के भविष्य को ये खतरे में डाल रही है। छात्रों और युवाओं पर लगातार 10 सालों से जिस तरह के वादे किए गए थे कि बहुत हुआ युवाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ छात्रों पे मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत सारे वादे किए कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी हर साल, लेकिन नौकरियां देने की बात तो दूर, हमसे नौकरियां छीन ली। इस तरह की सरकार आई, एक बेशर्म सरकार, और छीनी भी इस तरह से कि सिर्फ नौकरियां छीनी नहीं हमसे, उसके बजाय उसके साथ हमें पैदल छोड़ दिया, दिल्ली से, सूरत से, लुधियाना से, चंडीगढ़ से पैदल चलने के लिए, ताकि हम यहां तक पैदल आए। ये कोरोना का वक्त था और इस सरकार की आंखों में शर्म तक नहीं आई, ऐसी बेशर्म सरकार है। इसके साथ लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से नई शिक्षा नीति आई है और पहली आजाद भारत की पहली सरकार है जो कह रही है कि स्कूलों को खोला नहीं जाएगा। अगर स्कूलों की स्थिति जर्जर है तो स्कूल को बंद कर दो। वाह रे सरकार, ऐसी पहली सरकार जो स्कूल खोलने की बात नहीं स्कूल बंद करने की बात कर रही है और हमारे बच्चों के भविष्य को ये खतरे में डाल रही है, ऐसी सरकार है। बार बार सारे साथी कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा आएगा तो संविधान बदल दिया जाएगा, और सही बात है कि जिस तरह का दम्भ भर रही है, जिस तरह का घमंड है इसमें, जिस तरह से मानती है, जिस तरह से मानती है कि जनता उनके लिए नहीं है, लोकतंत्र के मायने उनके लिए नहीं है, कि 400 अगर कोई देगा, 200 कोई देगा, 50 कोई देगा तो जनता तय करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय नहीं करेंगे कि उनको कितना सीट मिलेगा। इसलिए लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, संविधान को बचाने वाले मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ काराकाट में झंडे पर 3 तारा पर पटन दबाइएगा, और किसानों के नेता, छात्रों के नेता, महिलाओं के नेता और हम तमाम गरीब गुरबों के नेता राजा राम सिंह को जिताइएगा और पूरी ताकत के साथ जिताइएगा। और इस बात को सुनिश्चित कीजिएगा कि एक तरफ जो मोदी सरकार है, जिसका दोस्त अडानी अंबानी है, जिसके पास तमाम पैसे हैं, 8,500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड है, और दूसरी तरफ इस देश के तमाम दलित, आदिवासी, महिला, युवा, छात्र, ये तमाम पसीने से कमाने वाले लोग हैं, तो एक आज ये पसीने और पैसे की लड़ाई है, तो इस बार पसीने को जीतना होगा और इस बार देश में इंडिया की सरकार को लाना होगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।